लगाव है आज का यहाँ से थोड़ी बहुत पहले से लगाव है। जब हम एमपी थे इधर ही बगल में रहते थे, सवेरे टहलने आते थे और एक एक कार्यक्रम में यहाँ पर भाग लेते थे हम लोग। और जब यहाँ पर सरकार में आए हैं तो यहाँ पर तो हर कार्यक्रम में भाग लेते ही थे। और उसी सिलसिले में यहाँ के बारे में जो कुछ भी था यहाँ पर बनाने के लिए जो इन लोगों ने बात रखी थी तो सब हो गया। 5 तरह का बिल्डिंग सब कुछ तैयार हो गया है, कुछ निर्माणाधीन है, तो बड़ी खुशी की बात हुई। अब यहाँ पर तो सब कोई भी आकर के करेगा, इतना बढ़िया है और हम लोगों का लगाव था। और आप जान लीजिए 3 बार हम जब लोकसभा के चुनाव में थे तो आप समझ लीजिए काउंटिंग यही होता तो हमारा लगाव बहुत ज्यादा है इसका। इतना बड़ा ऑडिटोरियम और कहीं किसी कॉलेज में पटना में नहीं है ना, ना, बहुत अच्छा, ये हमको अच्छा लग रहा है। ये तो दिखाने आ गए ना, तब तो कोई भी मीटिंग विकटिंग सब कर हो सकता है। केंद्रीय बजट सर पेश होना है सर, बिहार को केंद्रीय बजट पेश होना है सर, बिहार की उम्मीदें बहुत है सर, क्या लगता है क्या होना चाहिए सर? क्या करें, हम लोग की तो मांग आज से है, आप लोग को तो सब मालूम ही होगा कि हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं इस चीज़ की मांग। और कितना ज़्यादा हम लोगों ने 11, 12, 13 कहाँ कहाँ नहीं किया है मीटिंग, और सब मांग करते रहे, बाद में मांग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ है। तब अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बाकी तो देखना ही है। अब देखना चाहिए ना केंद्र को कि आखिर हर राज्य का, देश का विकास होना चाहिए तो हर राज्य का नहीं विकास करेंगे, तो हर राज्य के विकास के लिए तो जरूरी ना है, तो देखना चाहिए। अगर वो देखते तो अभी भी और भी अब देख रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा और काम करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोगों को और भी अगर नहीं दे रहे हैं तो हम लोग कर्ज लेना चाहते हैं, तब आजकल उस सब पर भी रोक लगाए हुए। इसका मतलब जो गरीब राज्य है अब तो अपना कर्जा भी नहीं लेगा और कुछ आगे नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। ये कौन काम ये लोग कर रहे हैं, इसके पहले कभी केंद्र सरकार ने इतना इंटरफेरेंस नहीं किया। या आप लोग जरा एक एक चीज बात तो बेचारे आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों को तो खाली उधरे का छापने है, करिएगा क्या कैसा कैसा चीज छापना है, मैंने जो कुछ कुछ बोलते रहता वही चलता था। चलिए ना, कोई बात नहीं, आपसे तो हमारा लगाव सब दिन रहेगा, आप लोगों से, आप लोगों का हम सब दिन आदर करते रहेंगे, क्या करिएगा, ऐसा ऐसा आ गया है केंद्र वाला करते रहे अपना सर, साथ में लेकिन तो सर बहुत अच्छा है। अब बिहार के विकास के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, अगर वो मदद करते। और जिनका नामकरण है जरा देख लीजिए ना, उन्होंने कितना काम किया, आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आगे तक का काम कितना किया है लोगों ने, तो इन सब लोगों की प्रतिष्ठा के लिए तो हम लोग को जब मौका मिलता है तब चले जाते हैं। लग रहा अलग होने के बाद ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं क्या, क्या दिक्कत करेंगे, तो अपने लिए ना कुछ कर रहे हैं जी, क्या दिक्कत करेंगे, उनको तो नहीं देना है गरीब राज्यों को मदद करना, तो नहीं कर रहे हैं, साथ में थे तब भी नहीं कर रहे थे, अभी भी नहीं करेंगे, हम तो कही रहे, तू क्या करेंगे, इस बजट अपना में सर, जो भी है अपने ढंग से कर रहे हैं। आप प्रचार प्रसार इतना करते रहेंगे, जो नहीं करेंगे उन्हीं प्रचार होगा, राज्यों की स्थिति के बारे में इधर उधर अपना कुछ प्रचार करते रहेंगे कि उनको फायदा हो, सब कोई फायदा उदा नहीं होने वाला। बजट तो लोगों के बीच में जा रहे हैं ना जी, आप में से कई लोग कभी कभी पहुंच जाते हैं तो जरा कोई जिला में देख लीजिए, कहीं भी जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या लोगों का उद्देश्य रहता है, खुशी होती है, गरीब गुरबा तबका आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पढ़ाई से लेकर के एक एक चीज के बारे में, सबके उत्थान के लिए, जीविका दीदियों को सब कुछ जो करवा रहे हैं हम लोग, ये सब काम तो हो ही ना रहा है जी, तो हम लोग कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कहाँ नहीं सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम तो इसलिए घूम रहे हैं कि भाई और कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए करेंगे, ये सब तो हम लोग करते रहेंगे। और कहीं भी खाली हम गांव और शहर की बात नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस की भी बात करिए ना, अब कैसा लगेगा बोलिए, कितना पहले बना था और कितना ये नामी जगह था, अभी सब बन गया तो कितना अच्छा लगेगा, और ज़्यादा जो यहाँ पर के लड़के लड़कियाँ पढ़ेंगी उनको और अच्छा लगेगा, तो जो भी यहाँ वाले हैं सबको हम बधाई देते हैं इन लोगों को कि खूब अच्छा काम करिए। सर इस बजट से सर कुछ उम्मीद रहेगी बिहार को विशेष मिलेगा या सर अलग हो जाने के बाद सर ये इस बजट से क्या मिलेगा वो तो पते चलेगा हम लोग तो आगे अपने जो भी हम लोगों की ताकत है उसके आधार पर रेल बजट को अपने अलग पेश करने की बात कही है, रेल बजट को भी अपने अलग पेश करने की बात कही है, हम तो चाहते ही है ना। तो आप लोग जरा पुराना देख लीजिए, जब रेल बजट होता था तो मेन बजट से भी ज्यादा देर लोग बहस के जिसको कहिए कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते थे,
जरा पुराना सब चीजवा इतिहासवा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा लगाव लोगों का था। तो उसको तो रहना ना चाहिए, लोगों को क्या खुशी है। सबसे पहला चीज क्या है इस देश में, वो तो अंग्रेजे के समय से ना बनना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद जितना विस्तार हुआ अश्रद्धे अटल जी की सरकार में हमको जो काम करने का उन्होंने मौका दिया, तो कितना ज़्यादा उन्हीं के सहयोग से उनके अनुमति से कितना चीज़ काम हो गया। तो ये लोग कोई बताता है अटल जी क्या क्या काम कर दिए, एक को उदाहरण देते हैं ये लोग, ये लोग तो खाली अपना ही उदाहरण दे रहे हैं। सर, अमित